pair of perpendicular lines. Just give, for example, the equation px square plus px square minus 8x square minus 8x square plus 3y square and then plus 14x plus 2y 14x plus 2y plus q equal to 0. Plus q equal to 0, it represents the pair of perpendicular lines. तो इसमें pair of perpendicular lines है, इसका यूज करके हमको इसमें दो वेरिएबल्स को मतलब इसकी p और इसकी q वैल्यू निकालने का है. कल ही क्वेश्चन हो गया था, मुझे थोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ था. तो देखो सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन से ax square plus 2xy plus by square plus 2cx plus 2fy plus c equal to 0. Now we get the family is equal to a is equal to b 2x equal to minus 8 इसके h is equal to minus 4 इसके बाद b is equal to 3 इसके बाद 2g is equal to 14 इसलिए g is equal to 7. Then after 2f is equal to 2 so x is equal to 1 और लास्ट में क्या मिलेगा तुमको c is equal to 3. कंपेयर करने से ये वैल्यूज मिली. अब क्वेश्चन में ये वाला है ये जो लाइन्स है दीज लाइन्स आर परपेंडिकुलर फेस ऑफ लाइन. तो पहले शुरू ये परपेंडिकुलर है सिंस द लाइन्स आर परपेंडिकुलर ये लाइन्स अभी से परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन है देखो सबको मालूम है जो लाइन्स परपेंडिकुलर है दो कंडीशन है ना. फर्स्ट कंडीशन व्हेनेवर फेस ऑफ लाइन आर परपेंडिकुलर देन दैट को कंडीशन ये दो कंडीशन तुम्हारे सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन में थे. सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन में दो लाइंस परपेंडिकुलर है इसका मतलब a प्लस b इक्वल टू 0 और अगर से दो लाइंस पैरेलल है ये दो याद रखो परपेंडिकुलर के लिए a प्लस b इक्वल टू 0 और पैरेलल के लिए h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0. तो ये लाइंस परपेंडिकुलर है फेस ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस तो a प्लस b इज इक्वल टू 0. व्हाट इज योर a p व्हाट इज योर b is nothing but 3. So p is equal to what? It is equal to minus 3. So h value p ki mili. Our interest to find out the value of q now. So the interest time is q find the negative. So ye lines ek to perpendicular bhi hai aur kya hai pairs of line hai. So ye dono baatein agar se perpendicular hai to p ki value milegi. Also the lines are represent the pair of lines. So pair of lines koi lines hai. So determinant kitna rehta? Determinant equal to 0. उसको सॉल्व करके हम क्या करेंगे q की वैल्यू तो सिर्फ हम यहाँ पे लिखेंगे जगह ये के बाद आप लिखते आल्सो आल्सो द गिवन लाइंस आर पेयर ऑफ लाइंस आर गिवन लाइंस रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस गिवन लाइंस रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करते हैं इसके इसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू क्या 0. तो बोलो डिटरमिनेंट में क्या क्या वैल्यू आ गया इसमें तुम्हारे ए बी सी एच जी एफ अगेन एच जी प्लस प्लस में वैल्यू वैल्यू रखेंगे तो ए मतलब कितना पी ठीक है जब पी लेंगे एच इज इक्वल टू माइनस 4 जी कितना आया 7 एफ कितना आया था एच कितना है माइनस 4 डी कितना है 3 एफ कितना है 1 है ना. टू एफ इज इक्वल टू 2 कंपेयर करने के बाद फिर अगेन g कितना है 7 f कितना है 1 c कितना है 3 इज इक्वल टू कितना 16. अब यहां पे अपन को p की वैल्यू मालूम है लाइंस परपेंडिकुलर थे a plus b इक्वल टू 0 करने पे p इज इक्वल टू कितना माइनस 3 तो रिप्लेस दैट p इज इक्वल बाय माइनस 3 यहां से रिप्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर में भी चलेगा p इज इक्वल टू माइनस. अब डिटरमिनेंट को सॉल्व करो हमको क्या मिलेगी q की वैल्यू मिलेगी वेरी सिंपल वन सबको मालूम है हम कैसे सॉल्व करते हैं माइनस 3 p2 minus 1, second element minus, but here minus minus become plus, we got here, minus 4q minus 7, third element plus 7, minus 4 minus 20 was equal to 0. We have a minus 9q, sorry, minus 9q plus 3, minus 16q, plus minus minus 28 minus 4 minus 21 minus 25 minus 25 6 up 1 7 up 175 equal to
तो फॉर्म मैंने जो है माइनस का 16 क्यू, माइनस का 9 क्यू, माइनस 25 क्यू, माइनस 25 क्यू और माइनस 25 क्यू ही है, ठीक है, माइनस 25 क्यू। उसके बाद में कॉन्स्टेंट 3 में से 28 गया, 3 माइनस 28 माइनस 25, माइनस 25 माइनस 175 माइनस 200, तो फाइनली वी गॉट द कंडीशन इज इक्वल टू 200, माइनस 25 क्यू इज इक्वल टू 200, सो क्यू इज इक्वल टू कितना, माइनस 25 60 200, क्यू इज इक्वल टू कितना है माइनस, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, द वैल्यू ऑफ पी इज नथिंग बट -3 एंड द वैल्यू ऑफ क्यू इज नथिंग बट -8 इज देयर, सो दिस इज आंसर एंड इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स इन एग्जाम, एग्जाम में बहुत बार पूछने वाला है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन है, तो इसमें सिर्फ फर्क क्या है, इसमें दो कंडीशन दी वाली है, एक तो लाइन्स कैसे इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स, मतलब इसमें दो जो लाइन्स है वो दो लाइन्स का नेचर कैसा है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लाइक टू दिस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो सबसे पहले परपेंडिकुलर है तो ए प्लस बी इक्वल टू जीरो निकाल के पी जीरो निकालेंगे, और फिर से वो क्या है पेयर ऑफ लाइन्स है, जब भी दो लाइन्स पेयर ऑफ लाइन है जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, तो उसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू कितना, सॉल्व करने से कितनी वैल्यू मिली, तो इज दैट क्लियर, आ गया, यस फिजिकल फास्ट, तो अपन आगे जाएंगे, इज दैट कंप्लीटेड, ओके जल्दी ओके, तो अब देखो कल हो गए तो सारा क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में और अब ये पिछले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, देखो भाई इतना ही डिफरेंस है, क्वेश्चन नंबर बुक तुम्हारे सामने होना चाहिए, ऑनलाइन लेक्चर भी अगर से भले ही है तो फेसबुक अपने सामने होना चाहिए, तो अपने भी समझना चाहिए क्या चल रहा है क्या नहीं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया था, 7 तो हो गया 8 सॉरी 5 पी एंड क्यू, सेम क्वेश्चन है, पी एंड क्यू निकालने का है, और इसमें कंडीशन क्या दी होगी, इफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, यहाँ पे क्या था पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, तो यहाँ पे क्या है पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, बस इतने ही फर्क है बाकी सब सेम है, तो फिर फर्क कहाँ पड़ेगा, सबसे पहले वो इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, इक्वेशन क्या दी वाली है, क्वेश्चन नंबर 8 डायरेक्ट करेंगे जरा, क्या इक्वेशन 2x स्क्वायर ठीक है प्लस 8xy प्लस py स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2y माइनस 15 इक्वल टू 0, माइनस 15 इक्वल टू 0 इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ, यस व्हाट यू कैन से दैट अगेन, दिस लाइंस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, मतलब इसमें दो कंडीशन, एक तो ये क्या है पेयर ऑफ लाइन है, मतलब इसमें कितने लाइंस हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट टू लाइंस पेयर ऑफ लाइन, और वो एक दूसरे को कैसे हैं पैरेलल है, दो कंडीशन है, इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, दो लाइन है और दोनों लाइन एक दूसरे को क्या है पैरेलल, तो सेम वही क्वेश्चन जब क्या पर करेंगे, देखो अभी सबसे पहले हम इसको सिस्टमेटिक आइडियस लिखने के अंदर लिखेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन, ये इक्वेशन विथ दिस इक्वेशन, ये कौन सी इक्वेशन, जनरल इक्वेशन से क्या करेंगे अपन कंपेयर करेंगे, comparing the general equation with that equation we got a is equal to 2, 2h is equal to 8, so it is equal to 4, b is equal to q, b is equal to p, as per our equation b is equal to p, 2g is equal to q, so g is equal to q by 2, then vf is equal to 2 again, f is equal to 1 और c is equal to कितना minus 50, अपने पास जगह नहीं मगर तुमको फोन लगाएंगे, c is equal to कितना क्या minus 50 ठीक, अब यहाँ पे फर्क क्या है, since the lines are अभी क्या थे perpendicular, अब lines क्या है since the lines are parallel, अभी बताएं मेरी condition, line अगर से parallel है तो condition क्या रहेगी, सब तो मालूम है यार, सब तो इसको है minus 80 is equal to 0, perpendicular अगर है तो a plus b equal to 0, तो अगर से parallel है तो h square minus ab is equal to 0, फर्क तो इसमें h square मतलब क्या 16 minus ab a 2 और b p equal to 0, तो p is equal to 16, तो p is equal to what, fit the value of p, now second thing is that
8 आ गया. ऑल्सो द गिवन लाइन का ऑल्सो द गिवन लाइन रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ लाइन्स. इससे क्या है पेयर ऑफ लाइन इससे स्ट्रेटनमेंट इज इक्वल टू कितना 0. तो स्ट्रेटनमेंट को सॉल्व करते और क्या स्ट्रेटनमेंट की वैल्यू a ऑफ द कितना है 2 x का कितना है 4 g कितना है 2/2 ओके x कितना है 4 b कितना है 3 x कितना है 1 g कितना है 2/2 अगेन x कितना है 1 और c कितना है -15. अब यहां पे जो c है c अपने को वैल्यू मालूम होगी c इज इक्वल टू कितना है 8 यानी c इक्वल टू क्या है. बस हम इसको रिटर्न में को सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू मिलेगी देखो लेट अस सॉल्व इट. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे कम से कम जो इक्वेशन है इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके सबकी वैल्यू मिलेगी. उसमें दो बातें हैं, एक तो लाइन पैरेलल है और एक फिर सॉफ्ट लाइन है. पैरेलल लगे थे तो जिसका मैंने ए बी इक्वल टू 0 रख के पी की वैल्यू मिलेगी और फिर से वो लाइन क्या है फिर सॉफ्ट लाइन है. रिटर्न में इक्वल टू 0 करके हम क्या मिलेंगे क्यू की वैल्यू. फिर रिटर्न में हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे उसका काम खत्म हो गया. -8 2/2 = -8 2/2 = -2 4 -8 2/2 = -2 42 -2 42 -221 -121 -2 42 -121 - -121 = +. कितना मिला सी पर 240 ओके प्लस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 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 प्लस हो गया 4 क्यू 2 बाय 2 मतलब 2 क्यू प्लस आगे क्यू बाय 2 इनटू 4 मतलब कितना है 2 क्यू माइनस. अब यहां पे कितना मिला 2 इनटू 2 4 डिनोमिनेटर में 4 4 और ऊपर कितना है 8 क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना 0 है (2)/2 (2)/2 (2)/2 = 4 = 8 = 2 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
देखेंगे तो कैलकुलेशन में 4 क्यूब ऑप्शन जाए माइनस 242 इसमें से माइनस 242 में से प्लस 240 गया तो है माइनस का 240 तो ये एक्चुअल पॉलीनोमियल के फॉर्म में आ रहा पॉलीनोमियल के फॉर्म में आ रहा हमको किसकी वैल्यू मिल रहा क्योंकि की तो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 8 आ गई अब उनका हमारा काम है फिर पीरियड निकालना तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे उसका अपन पहले एलिमेंट को प्लस करेंगे तो मल्टीप्लाई ईच स्टेप बाय ईच टर्म बाय माइनस सबको माइनस में मिल जाएगा तो ये होगा प्लस या माइनस या प्लस उसके बाद हर टर्म दो से डिविजिबल है तो डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं क्यू स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0 और अब तुम इसको अगर देखेंगे तो ये अपने को किसी चीज़ की याद दिला रहा ये एक्चुअल क्या है किसी का एक्सपांशन है किसका एक्सपांशन है देखो क्यू स्क्वायर माइनस 2 क्यू प्लस 1 इक्वल टू 0 इज नथिंग बट इज एक्सपांशन ऑफ क्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 करके देखो ए माइनस बी का स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस 2 क्यू प्लस बी स्क्वायर मतलब प्लस 1 इक्वल टू 0 तो क्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 मीन्स क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0 तो फाइनली वी हैव हियर क्यू इज इक्वल टू 1 और विद दैट हियर क्यू इज इक्वल टू 1 ओनली यू हैव टू सॉल्व इट ना समझा माइनस से मल्टीप्लाई करने से ये आ गया हर टर्म दो से डिविजिबल है दो से डिवाइड कर डिवाइड करने पे ये जो टर्म है क्यू स्क्वायर माइनस 2q प्लस 1 ये एक्चुअल क्या है क्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब क्या a माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में ये जो टर्म है
ये a माइनस बी को स्क्वायर के फॉर्म में, तो q माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, मतलब q माइनस वन इक्वल टू जीरो, यानी q इज इक्वल टू कितना, फोर। इज दैट क्लियर? आई हैव सॉल्वड, यस टेल मी नाउ, जल्दी करो फास्ट, जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट है एम एस सी, वेरी गुड। यस आर्यन, आर्यन आएगा दो क्लास सर्वे, वेरी गुड। रिपीट करने का क्या इसमें फरक, सिंपल है ना, पहले तीन ही कहले तुमने, लाइन अगर से पैरेलल है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, लाइन अगर से पैरेलल है तो ये कंडीशन है, इसका यूज कर तुमने किसकी वैल्यू निकाली, पी की, कितना है तुम्हारा, पी इज इक्वल टू कितना है, और फिर से ये लाइन क्या है, पेयर ऑफ लाइन है, इतने से लीटर पे इक्वल टू, तो डिटरमिनेंट सॉल्व करने के तुमको फर्स्ट एलिमेंट एड कीजिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सेकंड एलिमेंट माइनस फोर, फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, थर्ड एलिमेंट प्लस क्यू वाई टू, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे ये स्टेप है, फिर मल्टीप्लाई करो अच्छे से, मल्टीप्लाई करके इसको पढ़ने में पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले क्यू स्क्वायर, फिर क्यू का पावर वन, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्यू का पावर कितना है जीरो, मतलब एक्चुअल कितना रहता हुआ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पॉलीनोमियल के लिखे अपन ने माइनस का टू क्यू स्क्वायर प्लस का फोर क्यू और ये कॉन्स्टेंट क्यू रेस टू जीरो, पहले इसको प्लस करें, पहले टर्म हमेशा प्लस कर रहा था, इसे सबको माइनस से मल्टीप्लाई करके ये प्लस करें, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, हर टर्म दो से डिविजिबल है, दो से डिवाइड करें, तो ये जो दो से डिवाइड टू सिंबल करने के बाद ये क्या है, क्यू स्क्वायर माइनस टू क्यू प्लस वन, मतलब ये क्यू माइनस वन का होल स्क्वायर है, ये बात है नेक्स्ट पॉइंट है, क्यू माइनस वन का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए मतलब क्यू और बी मतलब कितना वन, और प्लस बी मतलब कितना वन, वन का स्क्वायर कितना वन, ये क्या है क्यू स्क्वायर माइनस टू क्यू प्लस वन, ये क्यू स्क्वायर माइनस टू क्यू प्लस वन एक्चुअल ये क्या है, क्यू माइनस वन का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से, q माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, मतलब q माइनस वन इक्वल टू जीरो, मतलब q इज इक्वल टू कितना आ गया, तो अब आया समझ में, इज दैट क्लियर? यस फरहान, तो फिर अब ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन रिमेनिंग, ये चैप्टर खत्म होने के बाद अपन वेक्टर स्टार्ट करेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव भी जल्दी शुरू करेंगे, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव शुरू होने के बाद अपने को दो लेक्चर देना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव का अलग से और नोट का अलग से, ठीक है, तो ठीक, तो ये यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर एट तक आ गए, मगर क्वेश्चन नंबर एट में आने से पहले हमने इसके कुछ क्वेश्चन छोड़े थे, क्वेश्चन नंबर एट तक अपन इसलिए आगे कि ये सेम टाइप के क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर एट, ये सेम टाइप के क्वेश्चन थे जिसे अपने पहले कंप्लीट करें, अब अपन जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रहने वाले वो कंप्लीट करेंगे, जैसे कि पहला क्वेश्चन इसमें रह गया एक्सरसाइज का, पहला क्वेश्चन क्या था, कहना समझ, कौन कौन से क्वेश्चन है, दो तीन चार छः सात आठ, ये सेम वही क्वेश्चन, सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन कवर करें, अब हम क्या करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चन जो बच गए एक्सरसाइज में वो कंप्लीट करेंगे, जैसे कि पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, तो क्या था एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस टू द पॉइंट to the point, पहला to the point 2 comma minus 1 and parallel to the line represented by and parallel to the line represented by represented by
माइनस 9y² इक्वल टू, पहले क्वेश्चन समझ के ऐसे दो क्वेश्चन दिए वाले दोनों में अपने क्या निकाले हैं, वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ पेयर्स ऑफ लाइन, क्या निकालना है पेयर्स ऑफ लाइन जो कि केवी से पास है 2, -1 में से पास है, और सबसे बड़ी बात क्या है दे आर पैरेलल टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, ये लाइंस को क्या है वो पैरेलल है, तो सबको मालूम है। सबसे पहली बात जब दो लाइंस पैरेलल रहेंगे तो दोनों लाइन के स्लोप क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे या फिर सेम रहेंगे, और जब दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उन टाइम पे दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना था -1, ये सबको मालूम है। यहाँ पर एक्चुअल कंडीशन क्या है, पहले कंडीशन समझ के लो हमको क्या निकालने का, तो सबको मालूम है 2x² यहाँ पे x का पावर 1 y का पावर 1 मतलब ये टर्म की डिग्री 2 ये टर्म की डिग्री 2 ये टर्म की डिग्री 2, तो v क्या है हर टर्म की डिग्री 2 है, इससे क्या है सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, ये क्या है सेकंड डिग्री होमोजीनियस, दो डिग्री की और सबकी डिग्री क्या है सेम है, इससे वर्ड क्या है सेकंड डिग्री, और होमोजीनियस मतलब सबकी डिग्री सेम, तो सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन तुमको मालूम है, जब भी सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन आएगी इसका मतलब ये लाइंस केमी के पास है ओरिजिन के पास है, तो क्वेश्चन क्या होता है इसमें जो दो लाइंस ओरिजिन से पास होने वाले हैं ये लाइंस को अपने को लाइंस निकालने का है, उनको निकालने का है पेयर ऑफ लाइंस निकालने का है, वो भी केमी से पास है 2, -1 से पास है, मतलब वो ओरिजिन से पास रहेंगे ऐसा नहीं है, वो लाइंस केमी पेयर ऑफ लाइंस 2, -1 से पास है, जैसे ऐसे नहीं आएगा ऐसे यार 2, -1 से दोनों लाइंस क्या है पास है, और वो दोनों लाइंस ये लाइन से क्या है पैरेलली जो ओरिजिन में से क्या है पास, तो उस टाइम पे ये इनकी पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन क्या है, अब इतना तो कंफर्म है कि ये जो पेयर ऑफ लाइंस है ये ओरिजिन में से पास नहीं है, इसका मतलब इसकी सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन आएगा, ऐसा नहीं जो लाइन अगर ओरिजिन में से पास है तो क्या मिलता सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, और आपका लाइन क्या मिलता पास है 2, -1 से पास है, अब इसके क्या है पैरेलल, तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले क्या करेंगे इसके सेपरेट इक्वेशन निकालेंगे, सेपरेट इक्वेशन निकालने से इसमें दो लाइन्स निकालेंगे, तो दो लाइन से एक लाइन का स्लोप m1 और एक लाइन का स्लोप क्या मिलेंगे आपको m2, जनरल होता अच्छे से होता है समझ लो, इसके इसमें दो लाइन्स एक लाइन का स्लोप m1 एक लाइन का स्लोप m2, तो इसको जो है अपने रिक्वायर्ड लाइन्स क्या है पैरेलल, इसलिए अपने रिक्वायर्ड लाइन के स्लोप क्या आ गया m1 और कितना आ गया, और अपने रिक्वायर्ड लाइन का एक लाइन का स्लोप मालूम है और 2, -1 से पास है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करके इसकी इक्वेशन निकालेंगे, अगेन m2 स्लोप मालूम है और ये 2, -1 से दूसरी लाइन पास है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से क्या करेंगे ये लाइन l2 की इक्वेशन, और बाद में दोनों को क्या कहेंगे ज्वाइंट इक्वेशन लेंगे, जबकि दो लाइन पैरेलल रहेंगे उनके स्लोप क्या रहेंगे सेम या फिर इक्वल, तो अपने को मालूम है इसमें दो लाइन है, हम सबसे पहले इसमें से दो लाइन निकालेंगे, दो लाइन मिलने के बाद दो स्लोप मिलेंगे एक स्लोप m1 एक स्लोप m2, अब इनका स्लोप अगर m1 m2 है तो अपने को जो दो लाइंस निकालना है उनका भी स्लोप क्या रहेगा सेम, क्योंकि ये लाइन इसको क्या है चार लाइन, ये m1 है तो ये m1 ये m2 है ये m2, तो अपने को अपने लाइन का क्या क्या मालूम है स्लोप मालूम है और अपनी लाइन 2, -1 से पास है, तो हम पहले ये लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, सिमिलरली ये लाइन के बारे में अगर बोलेंगे तो ये लाइन का भी स्लोप मालूम है और ये लाइन 2, -1 से पास है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन निकालेंगे, फिर बाद में दोनों का जॉइंट इक्वेशन, तो इक्वेशन निकालेंगे एकदम सिंपल, आप सिस्टम लिख देखो कि जो मैंने जनरल आइडिया बताया कि हमको करना क्या है इससे, आप इसको सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप देखो कैसे करेंगे, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे इसमें जो दो लाइन छुपे वाले हैं वो लाइन से क्या करेंगे स्लोप, पहले दो लाइन निकालेंगे फिर उसका हम स्लोप लेंगे, तो बिल्कुल एकदम सिंपल क्या करेंगे सबसे पहले नो सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन्स कौन सा ये x² + 3x² - 9y² = 0
इसको सिंपल इक्वेशन क्या है, इसे फैक्टर निकाल, माइनस नाइन टू का माइनस एटीन, माइनस एटीन के फैक्टर होंगे, देखो तो अपन सॉल्व कर लो, तो साइड में लेके सॉल्व करेंगे, तो ये करेगा माइनस एटीन, ठीक है, माइनस नाइन टू का एटीन, सो माइनस एटीन के फैक्टर बोलो क्या है, बीच में थ्री है प्लस का थ्री है, माइनस का तीन वाई में x plus 3y, एक ब्रैकेट में 2x minus 3y equal to, तो कितने लाइंस के लिए, दो लाइंस के लिए, एक लाइन जमी, x plus 3y equal to 0, and दूसरी लाइन जमी, 2x minus 3y equal to 0, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें जो दो लाइंस छुपे हुए थे, ये पेयर्स ऑफ लाइन है, सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, इसमें से सबसे पहले हमने दो लाइन जो छुपे वाले थे वो दो लाइन प्रॉपर निकाले, तो एक लाइन क्या है x plus 3y equal to 0 और दूसरी लाइन क्या है 2x minus 3y equal to 0, तो सबसे पहले काम इसमें जो दो लाइन छुपे वाले हैं मतलब ये फिर क्या है दो लाइन का जॉइंट इक्वेशन, तो हमने क्या निकाले थे सेपरेट इक्वेशन, x plus 3y equal to 0 और 2x minus 3y equal to 0 ऐसे दो लाइन से जिसका जॉइंट इक्वेशन ये है, तो हमने क्या करा ये दो लाइन निकाला और उसके बाद इसका स्लोप2x minus 3y equal to 0 minus a by b के मतलब 2 और भी मतलब y का कोएफिशिएंट मतलब minus 3 का तो क्या है ओके तो इसमें से पहली लाइन का स्लोप ये लाइन का स्लोप m1 कितना है minus 1 by 2 और दूसरी लाइन का स्लोप minus 2 मतलब minus this is कोएफिशिएंट ऑफ 2 divided by minus 3 के मतलब 2 तो ये दोनों लाइन का स्लोप आ गया। अब देखो एक लाइन का स्लोप m1 कितना है माइनस 1 बाय 2, इसमें दो लाइन, दो लाइन में से एक लाइन का स्लोप माइनस 1 बाय 3 और दूसरी लाइन का स्लोप 2 है, ओके स्वाद का स्लोप ब्लड इज दिस नॉट स्केल। अब ठीक है क्या? यस आगे समझ लेते हैं। अभी जो दो लाइंस दिए हुए थे सबसे पहले इसको हमने सॉल्व करके सेपरेट इक्वेशन निकाले, एक लाइन उसमें से ये लाइन का स्लोप स्लोप का फॉर्मूला वाले में सबको m इज इक्वल टू माइनस a बाय, तो ये लाइन m1 है इसका स्लोप, तो ये मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा कोएफिशिएंट कितना है 1 1 फॉर्मूला पास है और वो ये लाइंस के क्या है पैरेलल, इसमें दो लाइंस आए और दो स्लोप आए, एक का m1 आया एक का m2 आया, इस लाइन तो रिक्वायर्ड लाइंस इसको पैरेलल है, तो रिक्वायर्ड लाइंस का स्लोप क्या आएगा सेम, अपन क्या लिखेंगे इसे यहां पे बीच में एक लाइन लिखेंगे सिंस क्या लिखेंगे द स्लोप ऑफ द लाइंस आर पैरेलल टू द आर पैरेलल टू दीस लाइंस देयरफॉर द स्लोप ऑफ the slope of
क्यों अभी इसमें नेटवर्क चल जा रही है? इज दैट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? द स्लोप ऑफ द लाइंस पैरेलल टू दीज लाइंस आर क्या रहेगा? सेम क्या रहेगा? पैरेलल टू दीज लाइंस आर माइनस वन बाय थ्री आर माइनस वन बाई थ्री एंड टू वन माइनस वन बाई थ्री एंड टू बाई थ्री सुनो कि ये दो लाइन का स्लोप अगर से माइनस वन बाई थ्री और टू बाई थ्री तो अपने जो लाइन है ये लाइन को क्या है पैरेलल है इसलिए अपने लाइन का स्लोप भी क्या रहेगा सेम माइनस वन बाई थ्री एंड टू बाई थ्री तो अपने लाइन का स्लोप मिल गया जो लाइन आपने को निकालने का उसका स्लोप मिल गया और वो टू कॉमा माइनस वन में से क्या है पांच है तो अपने आल्सो द लाइंस पासिंग थ्रू पॉजिशन टू कॉमा माइनस वन देन बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म तो एक लाइन की इक्वेशन मिलेगी इसको सॉल्व करेंगे तो दूसरी लाइन की इक्वेशन मिलेगी हमको दोनों को क्या निकालने का है पेयर ऑफ लाइन मतलब दोनों का ज्वाइंट इक्वेशन इक्वल टू कितना जीरो तो वेरी सिंपल करेंगे आएगा करके देने का यस टेल मी नाउ वेरी सिंपल वन ओके सो फर्स्ट वन ये वाई माइनस वाई वन तो वाई वन कितना है माइनस वन तो वाई माइनस वन प्लस वन तो कितना है माइनस वन बाई थ्री एक्स माइनस एक्स वन होता कितना है टू अगेन y minus y1 तो minus plus 1 और slope कितना है 2 by 3 x minus x समतल कितना x minus 2 तो multiply this equation by 3 and multiply this equation by 3 दोनों को 3 से multiply है ना division इतनी है multiply by 3 multiply by 3 ऐसे करने से ये line की equation मिलेगी और ये line की equation मिलेगी दोनों को क्या करेंगे joint equation very simple one क्या करेंगे d1 plus 3 माइनस एक्स प्लस टू तो इसकी जगह क्या आएगा बात प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो तो इक्वल टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो ठीक है इसकी जगह क्या है माइनस एक्स प्लस माइनस टू इक्वल टू जीरो एक्स प्लस थ्री वाई तीन में से दो हो गया प्लस वन इक्वल टू जीरो सिमिलरली वी डन द सेकंड वन